जनपद में 2 अप्रैल को अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाया जाएगा, जिसके संबंध में जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि गोरखपुर में जेपी हॉस्पिटल से नंदानगर तक हुए अतिक्रमण पर 2 अप्रैल को अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की व्यापारियों के साथ बैठक की जा चुकी है और सबके सहयोग से जो यातायात की जनमानस की समस्या है, सभी लोगों को एक सुगम यातायात मिले, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए शहर को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए अलग अलग दिन का प्लान बना है और अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस व प्रशासन की टीम बनी हुई है, जो कि शनिवार से अभियान चलाकर सड़क पर हुए अतिक्रमण को हटवाया जाएगा, जिससे कि शहर के रोड चौड़ीकरण व सुंदरीकरण के कार्य को सफलतापूर्वक किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, हम लोगों की पूरे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की व्यापार बंधुओं के साथ बैठक हुई है, पथ विक्रेताओं से लगातार संवाद किया जा रहा है, आज भी उनके साथ बैठक है, सबके सहयोग से, सभी के साथ मिलकर जनमानस के सहयोग से जो यातायात की समस्या हैं, सभी हमारे आम जन को सुगम व्यवस्था हमारे सड़कों पे मिले, इसके लिए एक अभियान के रूप में कार्य किया जा रहा है। उसमें एक माइक्रो प्लान बना हुआ है, टीमें गठित की गई हैं और अंतर विभागीय समन्वय से वहाँ पे अवस्थापनाओं को सुदृढ़ किया जाएगा, सड़क में चौड़ीकरण, चौराहों का सौंदर्यीकरण, चौराहों में अच्छा रीडिज़ाइनिंग का कार्रवाई, ऑन द स्पॉट इंजीनियरिंग की कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ जो दुकानदार हैं, पथ विक्रेता हैं, उनके लिए भी व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि सभी को लाभ भी मिल सके और सभी को एक अच्छी व्यवस्था मिल सके। विशेषकर हमारे जो ग्राहक हैं, हमारे जो आम लोग हैं जो सड़कों पे आवागमन रहता है, उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था मिले, ये हमारी प्राथमिकता है।